हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं इस चैनल यूआर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके एमपी टेट ग्रेड थ्री या फिर मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग थ्री में आपका जो सब्जेक्ट पूछा जाने वाला है कौन सा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जी हाँ दोस्तों, इस विषय से अभी तक लास्ट ईयर तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं सभी परीक्षाओं में, एमपी टेट, यूपी टेट और आपके सी टेट, इन सभी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं दोस्तों इस सब्जेक्ट से, मैंने उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर संग्रह किया है और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों यदि आप इन सभी क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो शायद ही इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन को डिस्कस। लेकिन दोस्तों आप सभी से गुजारिश रहेगी कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बाजू में दिख रहा होगा बेल आइकन, घंटी के निशान, उसको भी दबा दें, प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आती है पसंद तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जी हाँ दोस्तों, शेयर जरूर करें क्योंकि आपके जैसे और भी दोस्त होंगे, मित्र होंगे, उनको भी हेल्प की आवश्यकता होगी, उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों आप बढ़ते हैं हम आगे। डिफेंस आज क्लास फर्स्ट है, हम इसको कम से कम पार्ट में डिवाइड करेंगे, जल्दी से जल्दी खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष लग गया है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। आंसर हो जाएगा आपका पैस्टोलॉजी। अगला है, निम्न में से विकास की विशेषता है क्या है, गुणात्मकता। फिर नेक्स्ट है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर ना कि पैर से सिर की ओर। आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है, उसके परिवार से। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में गलत प्रश्न या कथन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर है, गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक। ये तीनों विकास आपको खेल के मैदान में देखने को मिल जाएंगे। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है किससे, उसके मां के पोषण से। अगला है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। नेक्स्ट है, 2 से 5 वर्ष तक की आयु कहलाती है शैशवावस्था। नेक्स्ट है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है किसका, सिर का आपको दे दिया जाएगा, हाथ का, पैर का, सिर का, आंख का, तो आपको लगाना है सिर का। नेक्स्ट है, बालक के सिर पर सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है, आपका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं कितनी, 270। बीज अवस्था कहलाता या कहलाया गया है 0 से 2 सप्ताह। अगला है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है कब तक, 3 माह तक। नेक्स्ट है, बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक को की आयु होगी 8 से 9 माह। नेक्स्ट है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है कितना, 350 ग्राम। नेक्स्ट है, सीखने का आदर्श काल माना गया है कौन सा, शैशवावस्था, आपको दे दिया जाएगा किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, तो दोस्तों आपको टिक करना है शैशवावस्था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है क्या, गुणनफल। नेक्स्ट है, जीवन का सबसे कठिन काल है कौन सा, किशोर अवस्था। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या होती है कितनी, 20, आपने गिना भी होगा 10 और 10 20 होती है। महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु में निम्नलिखित में से पाया जाता है केवल एक्स गुणसूत्र। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किन से होता है, गुणसूत्र तथा जीन्स से। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं से डिसाइड होता है आनुवांशिकता या जेनेटिक्स। अगला है आपका, पुरुषों में सामान्य यौन गुणसूत्र होता है एक्स और वाय और महिलाओं में सिर्फ वाई वाई। जी हाँ दोस्तों, एक्स और वाई होता है आपके पुरुषों में। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका, जन्म के समय बालक का भार होता है 6 से 8 पाउंड। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं
गुणसूत्र। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं से डिसाइड होता है गुणसूत्रों से कि मेल या फीमेल। नेक्स्ट है, बालक के विकास में महत्व है वंश क्रम का एवं वातावरण का, इन दोनों का बेहद महत्व होता है। क्वेश्चन है दोस्तों, दिवाष्प में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। आंसर होगा किशोर अवस्था में। नेक्स्ट है, सृजनशील बालकों का लक्षण है जिज्ञासा। जी हाँ दोस्तों, जिज्ञासा ही सृजनशील बालकों का लक्षण होता है। नेक्स्ट है, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है ये उत्साह। अब अगला है, बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किस अवस्था में, किशोर अवस्था में। अगला है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, यह कथन किसका है। हर लाख का है दोस्तों यह कथन, है ना। नेक्स्ट है, बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है, क्या होता है दोस्तों, सामाजिक तकनीक। ओके। नेक्स्ट है, बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है, क्या है, प्रकृति। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, संग्रह की प्रवृत्ति। जी हाँ दोस्तों, एक किशोर अवस्था का लक्षण विशेषता नहीं है। अगला है, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, क्या, बहुत कम। आपको ऑप्शंस मिलेंगे, मीडियम, मध्यम, अधिकतम, बिल्कुल कम, तो आपको क्या लगाना है, बहुत कम। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका बाल्यावस्था में। अगला फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दिवाषपन एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है, क्या है, किशोर अवस्था। नशे विकास के संबंध में सही कथन है, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला एक परिवर्तन है। नशे विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर से होता है, यह सिद्धांत बताता है, क्या बताता है, बर्तुला कार्य। आपको दे देंगे वृत्ताकार, गोलाकार या बर्तुला कार्य, तो आपको टिक करना होगा बर्तुला कार्य। नेक्स्ट है, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है वातावरण में परिवर्तन के कारण। अगला है, शैशवावस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं, इलेक्ट्रा। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रा के रीजन। बस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना व तीन पहियों को तीन पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है, शैशव अवस्था में। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था, लंबात्मक विधि का। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की ओर। नेक्स्ट है, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, वह संधि काल में। नेक्स्ट है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए शांत। जी हाँ दोस्तों, बालक की जिज्ञासा को शांत करना आवश्यक है। नेक्स्ट है, सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया। अगला है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई, आपको सन पूछा जाएगा, भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई। अगला है, विकास प्रारंभ होता है कहाँ से, गर्भावस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, उनका नाम है स्टीफंस। जी हाँ दोस्तों, इनको पता था, इनकी डेथ हो गई, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है 3 से 13 से 19 वर्ष। अगला है, चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारक सहायक नहीं है, निर्देश। नेक्स्ट है, बालक का शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है, आंसर होगा आपका किशोर अवस्था में। फिर अगला है, किस आयु के बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध का विकास हो जाता है 9 वर्ष तक की आयु में।
नेक्स्ट है, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष। फिर अगला है, निम्नलिखित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी की प्रति होता है? बाल्यावस्था में। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? उसका वातावरण। नेक्स्ट है, लड़कियों के ब्राह परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? किशोर अवस्था में। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम सोपान है, भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? इनके अंग हैं दोस्तों, आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा बोलना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक कई बार पूछा गया है। फिर अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जीन पियाजी को। ओके, जीन पियाजी को बाल विकास और आपका मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है, क्या लक्षण है दोस्तों? समायोजित इसका लक्षण होगा। लैमार्क ने अध्ययन किया था वंशानुक्रम पर। आपको पता होगा लैमार्क और डार्विन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है? उत्तेजनाया भावों में उथल फुथल, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है क्या है दोस्तों? परिवार। अगला प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी क्या? अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। इसका आंसर राइट होगा, है ना। नेक्स्ट है, बाल विकास का अर्थ है क्या है दोस्तों? बाल विकास का अर्थ, इसका अर्थ है बालक का गुणात्मक एवं व परिमाणात्मक परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, परिमाण यहाँ पर थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गई है, परिमाणात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट है, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है किसने? पैट्रिक पावलव ने, है ना। अगला है, बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं क्या? शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण एवं खाली समय। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? कौन सा है दोस्तों? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अवांछनीय संवेग है क्या है दोस्तों? दगा अवांछनीय संवेग है। अगला है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है डार्विन से। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको याद हो इन्होंने जिराफ के ऊपर अपनी सारी चीजें की हैं, क्रियाएं की हैं, उन्हें बताया है प्राकृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के बाद दोस्तों अब शिक्षा हो गई है क्या? बाल केंद्रित। नेक्स्ट है, पैतृण गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया था किसने? मेंडल ने। अगला है, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है यह कथन है किसका? क्रोगमैन का। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं है वह है? सुकरात। अगला है नेक्स्ट, निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है वह है क्या? वंश परंपरा एवं वातावरण। जी हाँ दोस्तों, वंश परंपरा तथा वातावरण। तो डियर फ्रेंड्स, आज इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कर दें आप लोग, जिससे अपने अधिक से अधिक आएंगे
हम उतना ही कंटेंट आपको बढ़ा कर देंगे। तब तक लिए डिफेंस लेते हैं आपसे विदा। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।